हाय, वेलकम बैक. दिस इज दीपक. एंड आज की वीडियो में अपन फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे. एनआईटी जालंधर में किस तरह एक ईयर फीस होती है, कितनी फीस होती है, टोटल एक साल की जो फीस होती है. एंड ये जो सारा होता है वो इनकम सर्टिफिकेट के ऊपर बेस होता है. ठीक है, तो इसके अंदर मैं जिसका 1 लाख से कम इनकम सर्टिफिकेट है उसके लिए, 1 लाख से ज़्यादा है उसके लिए, एंड मोर देन 5 लाख है इसके तीनों के लिए कम्प्लीट ये वीडियो है, डिटेल में है. सो ये वीडियो लास्ट तक देखना एंड करते हैं स्टार्ट. सो हाय, देखो जिसके सबसे पहले ST, SC और PW इनकी ट्यूशन फीस माफ़ होती है, बिल्कुल माफ़ होती है. ठीक है, तो इनको इनकम सर्टिफिकेट सबमिट करने की ज़रूरत नहीं होती है. इनको फीस फुल वेवर है, फुल मतलब 100% इनकी फीस, ट्यूशन फीस माफ़ है, बट इनको अदर चार्जेस पे करनी पड़ती है. एंड दूसरी चीज़ करें कि जिनकी इनकम सर्टिफिकेट लेस देन 1 लाख है, ठीक है, उनको कितनी पे करनी पड़ती है, मेरे पास डिटेल है ताकि मैं अच्छे से बता सकूँ. तो देखो एनुअल, जिसका एनुअल फैमिली इनकम सर्टिफिकेट लेस देन 1 लाख है उसको ट्यूशन फीस नहीं पे करनी पड़ती है. एंड जो अदर चार्जेस होती हैं जैसे हॉस्टल फीस, एडमिशन प्रोसेस, लाइब्रेरी चार्ज, डेवलपमेंट चार्ज, ये सारा अगर मिला के अगर हम बात करें तो वो होता है 30,000 के अराउंड, 30,500 के अराउंड. NIT JEE की डेटा बता रहा हूँ, ठीक है, इतनी होती. ठीक है, और मैं दूसरी चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जो इसकी मैथ फीस होती है वो 35,000 अलग होती है, 35,000 नहीं होती है, 25,000 होती है. 10,000 कॉशन मनी होती है, वो रिफंडेबल होती है, वो तुम्हें लास्ट में रिफंड हो जाती है 10,000. तो जो एक सेमेस्टर की फीस की बात करें ना तो वो बन जाती है 30,500 प्लस 35,000, ठीक है, तो वो बन जाती है 65,500 रुपये. ठीक है, एक सेमेस्टर की फ़ीस है. अगर टोटल हम साल की बात करें तो टोटल साल की है जैसे 25,000 रुपये मैथ फीस, ठीक है, 25,500 तुम्हें सेकेंड सेमेस्टर में पे करने में, टोटल अगर करोगे तो कितना हो गया, 56 के अराउंड हो गया. तो ये होती है लेस देन इनकम सर्टिफिकेट के लिए 1 लाख, जिनका लेस देन 1 लाख का इनकम सर्टिफिकेट. ठीक है, और जैसे अगर हम इनकी टोटल की बात करें ना तो अराउंड 1 लाख के करीब चला जाता है. ठीक है, तो ये हो गया लेस देन 1 लाख के लिए. ठीक है, अब बात करेंगे कि जिनके 1 लाख और 5 लाख के बीच में इनकम सर्टिफिकेट है, ठीक है, उनको कितना पे करना पड़ता है. इनकम 1 लाख 5 लाख के बीच होती है, उसकी जो एक सेमेस्टर की फ़ीस होती है वो 51,340 रुपये होती है. ठीक है, एक सेमेस्टर की बात कर रहा हूँ, और इसमें 25,000 रुपये मैथ फीस है, ठीक है, और 10,000 रुपये क्वेश्चन मनी है. ठीक है, वो 10,000 रिफंडेबल होती है, 25,000 मान के चलो. तो अगर एक सेमेस्टर की बात करें तो 76 के अराउंड चला जाता है. ठीक है, और अगर टोटल एक साल की बात करें तो वो है 1,77,680 रुपये. ठीक है, एक साल की फ़ीस है जिनकी इनकम सर्टिफिकेट 1 लाख और 5 लाख के बीच है. ठीक है, तो ये हो गया 1 लाख और 5 लाख के बीच वाले का. ठीक है, अब बात करेंगे जिसका 5 लाख से अबव है. ठीक है, 5 लाख से अबव होता है उसकी जो ट्यूशन फीस होती है उसको पूरी पे करनी पड़ती है, और बाकी अदर चार्जेस पे करके अगर बात करें तो एक सेमेस्टर की फीस 93,000 के अराउंड है. ठीक है, दूसरे सेमेस्टर की बात करें तो 88,000 के करीब है. ठीक है, और इसमें मैथ फीस अगर तुम इंक्लूड कर दोगे 50,000, ठीक है, और प्लस 10,000, तो टोटल जो बन जाएगा वो 2,41,000 रुपये. ठीक है, 2,41,000 रुपये ये है जिसकी इनकम 5 लाख से अबव है. ठीक है, ये एक साल की फीस है. इसी तरह पूरा प्रोसेस रहता है, अगर into 4 कर लोगे तो तुम्हें वो एक प्रॉपर वैल्यू मिल जाएगी कि एक 4 साल की एक डिग्री में कितना टोटल फी पे करनी पड़ती है. ठीक है, एंड बस यही था. ठीक है, 1 लाख के लिए उनको भी ट्यूशन फी पे करनी पड़ती है, उसका कुछ 41 के अराउंड होता है. एंड जिनकी मोर देन 5 लाख होती है उसको पूरी करनी पड़ती है, और जिनकी लेस देन होती है उनकी ट्यूशन फी माफ़ होती है. ठीक है, उनको सिर्फ अदर चार्जेस ही देनी पड़ती है. तो जितने भी मैंने डेटा बताया, ठीक है, इसको तुम कैलकुलेट कर सकते हो, मैंने PDF दे रखी है. ठीक है, फीस स्ट्रक्चर का NIT जालंधर का, तो तुम प्रॉपर इसको देख सकते हो. एंड उसको आप into 4 करोगे तो तुम आप एस्टिमेट लगा लोगे, 1 लाख रुपए ऊपर बना लगा लो अपने 4 साल में जो भी आपके खर्चे वगैरह होंगे. तो इतना होता है. नेक्स्ट वीडियो किस तरह लोन अप्लाई कर सकते हो NIT और NITs में, ठीक है, ईजिली अप्लाई हो जाता है, तो उसके ऊपर वीडियो से क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हो मैं कंप्लीट बताऊंगा. सो ये वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, एंड चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना. अपन ऐसी वीडियोस बनाएंगे. एंड बाय बाय, थैंक यू सो मच.